बयाना वृत्त के थाना गढ़ीबाजना पुलिस ने दो लुटेरी दुल्हनों व एक दलाल को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिनसे पुलिस कड़ी पूछताछ में जुटी हुई है। यह लुटेरी दुल्हन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी प्रीति उर्फ सैफी पत्नी सज्जन जाटव व मैनपुरी निवासी चांदनी उर्फ श्रद्धा पत्नी नरेंद्र शर्मा और उनका साथी दलाल कुलदीप जाटव निवासी फिरोजाबाद है। लुटेरी दुल्हनों के इस गिरोह में दो पंडितों सहित अन्य लोग भी शामिल बताए हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। यह गिरोह ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे भूल भाले युवकों को शादी के सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाता है, जिनकी शादी नहीं हो रही होती है और उनकी लुटेरी दुल्हनों से शादी करवाकर शादी से पहले लाखों रुपए ऐंठते हैं और शादी के बाद घर में रखे सभी जेवरात व नकदी को ये लुटेरी दुल्हने मौका देखकर साफ कर जाती है। थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव बैसोरा निवासी युवक राजेश शर्मा ने लुटेरी दुल्हनों व उनके गिरोह के नामजद लोगों के विरुद्ध एक माह पूर्व मामला दर्ज कराया था और बताया कि शादी के नाम पर उससे 7 लाख रुपए ऐंठ लिए और अब सोने चांदी के जेवरात व 20,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई है। इसी मामले में पुलिस ने कार्यवाही कर लुटेरी दुल्हनों व एक दलाल को गिरफ्तार किया है, अन्य की तलाश जारी है। राजेश शर्मा निवासी बैसोरा थाना गढ़ीबाजना ने जरिए इस्तगार से थाना गढ़ीबाजना पर मुकदमा दर्ज कराया कि हमारी शादी हुई और शादी के हम 10 दिन बाद धंधे पर गए दोनों भाई और पीछे से हमारी दुल्हन चली गई। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उच्च अधिकारियों के निर्देश में मेरे SHO के नेतृत्व में टीम गठित की गई। एक महिला को फिरोजाबाद से और एक महिला को मैनपुरी इटावा से दस्तयाब किया गया और इनका एक दलाल है कुलदीप जाटव, उसको भी किया गया। और निष्कर्ष ये आया कि ये दलाल बीच में पैसे खाकर 2000 रुपये पर डे किराए से लेकर आया था। तीनों को अरेस्ट कर लिया, न्यायालय पेश किया गया और न्यायालय से जेसी फरमाया जेल भेजा गया।